गुड मॉर्निंग चांस, आर नेक्स्ट टॉपिक इज बिगर एंड टॉलर एंड फर्स्ट टॉपिक वी हैव लर्न्ड अबाउट ग्रोन अप। चैम, हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था ग्रोन अप एंड नाउ वी विल डिस्कस बिगर एंड टॉलर। एज यू कैन सी दिस इज अ न्यूली बॉर्न बेबी, शी इज अ बेबी गर्ल, नाउ She is growing up and you can see her stomach, her hand, legs, they are also increasing. यहाँ पे आप देखिए, ये एक newly born baby girl है और growing up stage जो हम last topic में cover कर चुके हैं उसके साथ साथ इसमें क्या changes हो रहे हैं, growing up के साथ साथ इसके hand, इसके legs, इसका स्टमक ये भी इंक्रीज हो रहा है एंड लास्ट शी बिकम अ मैच्योर गर्ल और धीरे धीरे ये सब इंक्रीज होते होते ये मैच्योर गर्ल बन गई है। शी इज बिगर देन द दिस वन बेबी, वो बहुत ही बड़ी हो गई है इस न्यूली बॉर्न बेबी से। इट मीन्स शी इज ग्रोइंग अप एंड शी इज बिकमिंग बिगर एंड टॉलर। इसका मतलब है कि ये ग्रो कर रही है और ये साथ में बिगर और टॉलर भी होती जा रही है। एंड यू कैन सी विथ ग्रोइंग अप स्टेजेस वी बिकम बिगर एंड टॉलर। और आप कह सकते हैं कि हम ग्रोइंग अप स्टेजेस के साथ साथ बिगर और टॉलर हो जाते हैं, हम बड़े और हमारी हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। सेम एज इन दिस पिक्चर, सेम आप देखेंगे इस पिक्चर में, यहाँ पे लिटिल बॉय, अ न्यूली बॉर्न बॉय एंड ही बिकम अ फुली मैच्योर्ड मैन। ये एक बेबी बॉय है और इसके बाद ये फुली मैच्योर्ड मैन बन गया है एंड इस प्रोसेस में इसका स्लोली स्लोली डेवलपमेंट हुआ है एंड He become bigger and taller. जैसा कि हमने baby girl में देखा था, he is also similar with her. इसका भी slowly slowly development हो रहा है, इसकी height, इसका stomach, legs, they are also increasing. उसकी height, stomach और legs भी increase हो रहे हैं. It means he is also becoming bigger and taller. Now you can see here, kids are doing so many things. This we have discussed in growing up topic. आप यहाँ देख रहे हैं कि kids यहाँ बहुत सारी activities कर रहे हैं, ये हमने growing up topic में discuss किया था। यहाँ पे grown up kids हैं जो अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं because they are fully mature and intelligent enough, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं एंड दे आर टॉलर एंड बिगर इनफ टू डू देयर वर्क। और वो इतने बड़े और टॉलर हो चुके हैं कि वो अपने वर्क ईजली कर सकते हैं। फेवरेट थिंग्स, फेवरेट थिंग्स आर दोज थिंग विच वी कैन डू इन अवर फ्री टाइम। फेवरेट थिंग्स वो होती हैं जो हम अपने फ्री टाइम में करना चाहते हैं। लाइक इन दिस पिक्चर किड्स आर प्लेइंग विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे किड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं बिकॉज दे लव इट, क्योंकि उन्हें ये अच्छा लगता है। बॉय इज कलरिंग, यहाँ पे बॉय कलर कर रहा है बिकॉज इट्स हिज फेवरेट थिंग टू डू इन हिज फ्री टाइम, क्योंकि ये उसका फेवरेट काम है जो वो फ्री टाइम में करना चाहता है। दे आर सॉल्विंग द पजल्स, ये पजल सॉल्व कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग सम अदर थिंग, ये कोई और वर्क कर रहे हैं। सो फेवरेट थिंग्स हमारी क्या होती है, जो हम फ्री टाइम में करना चाहते हैं। यू मे ऑल्सो हैव सम फेवरेट थिंग्स, आपकी भी कुछ फेवरेट थिंग्स होंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक किड्स, आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।
किड्स, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ यू विल फिल योर वर्कशीट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी वर्कशीट को कैसे फिल करेंगे। बिग और स्मॉल, एज वी स्टडीड बिग और स्मॉल, जैसे हमने पढ़ा है बिग और स्मॉल के बारे में, ये वर्कशीट भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग है। लुक एट द ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फोर सेक्शन, कलर द बिग ऑब्जेक्ट रेड एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑरेंज। आपको बिग ऑब्जेक्ट को रेड कलर करना है एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट को ऑरेंज। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन अम्ब्रेला एंड दिस इज अ की। अम्ब्रेला इज बिगर देन द की, सो अम्ब्रेला विल टेक रेड कलर। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एक अम्ब्रेला है और एक स्मॉल की है। अम्ब्रेला बिग है की से, तो हमको बड़े ऑब्जेक्ट, बिगर ऑब्जेक्ट कलर करने थे रेड कलर से। नाउ यू विल फिल रेड कलर हियर, और की में आप कौन सा कलर करेंगे? ऑरेंज कलर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ फिल द अदर थिंग्स। दिस इज योर सेकेंड वर्कशीट। नाउ सी वॉट यू हैव टू डू हियर। ये आपकी सेकेंड वर्कशीट है। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, वेरी इजी क्वेश्चन। आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है आपको वो यहाँ लिखना है। माई फेवरेट स्पोर्ट और एक्टिविटी इज, आपका जो भी फेवरेट स्पोर्ट और एक्टिविटी है वो आप यहाँ लिखेंगे। लाइक मेरा है बैडमिंटन। माई फेवरेट लंच इज, आपको आपके फेवरेट लंच का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट लंच इज दाल चावल। आप यहाँ अपने फेवरेट लंच का नाम लिखेंगे। माई फेवरेट बुक इज, यू विल राइट योर फेवरेट बुक्स नेम हियर। आपकी जो भी फेवरेट बुक हो आप उसका यहाँ पे नेम लिखेंगे। इन स्कूल आई एम प्राउड दैट आई, इस क्वेश्चन में आपको आप अपने लिए किस बात के लिए प्राउड फील करते हो। किड्स, यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है। मे बी टीचर अप्रिशिएट यू दैट यू आर अ डिसिप्लिन बॉय, यू आर गुड इन स्टडी, सो यू विल राइट दैट थिंग हियर। आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप अपने आप पे प्राउड फील क्यों करते हो। हो सकता है कि आप स्कूल में डिसिप्लिन बॉय होंगे, आप पढ़ने में अच्छे होंगे, तो आपको आपकी वो स्पेशलिटी यहाँ पे लिखनी है। आई कैन हेल्प अदर्स विथ, मैं लोगों की मदद करता हूँ किस टाइप से। आप लोगों की मदद कैसे करते हैं, इससे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, आप लोगों की मदद कैसे करते हैं। मैं लोगों की मदद करती हूँ उनकी बातें सुन के, फिर उन्हें अपनी एडवाइस दे के। अब आपका जो भी वे हो लोगों की मदद करने का, यू विल राइट योर थिंग हियर। किड्स, नाउ कंप्लीट योर वर्कशीट। अब आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिए। थैंक यू।